नमस्ते दोस्तों दोस्तों सैर सपाटे की सीरीज को आगे बढ़ा तो एक और बहुत खास जगह के बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसा मैं हमेशा हर वीडियो के शुरू में बोलता हूँ कि अगर आपको कहीं घूमने जाने के लिए अगर पता लग जाए कि कितना आपका खर्चा है और कैसे वहाँ पहुँचे तो आपकी प्लानिंग बहुत ही आसान हो जाती है। आपके लिए ये प्रिडिक्ट करना बड़ा आसान हो जाता है कि इतने खर्चे में आप यहाँ जा सकते हैं और एक एक चीज़ का पता लगे आपको कि वहाँ जाने का आने जाने का खर्चा क्या होगा, होटल का खर्चा क्या होगा, रुकने का खर्चा क्या होगा और वहाँ पे जो जगह है उनको घूमने का खर्चा क्या होगा। आज मैं आपको बताता हूँ कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। हाँ दोस्तों, कल ही आपने एक एपिसोड देखा होगा जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर बेयर गिल्स से मिल रहे थे और उन्होंने आपने वो शानदार दृश्य देखे, क्या खूबसूरत पार्क है, वाइल्ड लाइफ है और सूखे हरे घास के मैदान, बीच में नदियाँ, हिरन। और कॉर्बेट नेशनल पार्क एक वो जगह है इंडिया में जहाँ पे आप टाइगर को देख सकते हैं। तो टाइगर यहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पे टाइगर हैं और अगर आपकी किस्मत अच्छी रहती है तो जिस दिन आप जा रहे हो वहाँ पे टाइगर आप देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं, अगर आप दिल्ली से कॉर्बेट नेशनल पार्क जाना है तो कैसे जाएं, कितना खर्चा आएगा और कहाँ कहाँ वहाँ पे जाना है। तो आप कहीं से भी आ रहे हो, अगर टाइगर, ज़्यादातर लोग वाया दिल्ली होते हुए ही कॉर्बेट नेशनल पार्क आएंगे, तो हमने दिल्ली एक स्टैंडर्ड मान रखा है। तो आपको करना क्या है, आपको इस साइट पर जाना है, www.indiainfo.help। इस साइट में गए, यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन में सेलेक्ट किया कॉर्बेट नेशनल पार्क और यहाँ पे अपनी सोर्स सिटी में सेलेक्ट किया दिल्ली। जैसे ये दो सेलेक्ट करेंगे आप, तो आपको यहाँ पे नीचे पूरा कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूरा आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको जो दिल्ली से सिर्फ 270 किलोमीटर दूर कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और अब कॉर्बेट नेशनल पार्क की खास बात मैंने आपको बताई कि यहाँ पे जो है ये अपने टाइगर्स के लिए फेमस है और यहाँ पर अलग अलग गेट बने हुए हैं, उन गेटों से टाइगर की साइट सीइंग होती है। तो आप सबसे पहले जानते हैं कि कॉर्बेट नेशनल पार्क जाने का सबसे बेस्ट समय क्या है। दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क जो जाने का जो समय है वो है आपका जुलाई से, जैसे ही बरसात शुरू होती है अक्टूबर तक कॉर्बेट नेशनल पार्क बंद हो जाता है, 15 अक्टूबर के आसपास ये खुलता है। उसके बाद ये 15 अक्टूबर से लेके उसके बाद ये चालू रहता है, अप्रैल मई जून तक ये चालू रहता है। तो आइए मैं डिटेल में बताऊंगा कि कहाँ जाना है, किस गेट से आपको जाना है, कहाँ से आपको टाइगर दिखेगा वगैरह वगैरह। पहले ये जान लेते हैं कि वहाँ जाया कैसे जाए। मान लीजिए आप दो लोग हैं और कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए 2 दिन आपके पास काफ़ी सफिशेंट है, सिर्फ कॉर्बेट नेशनल पार्क ही आप जा रहे हो, तो 2 से 3 दिन। तो मैं 2 दिन लेके चल रहा हूँ। आप सबसे पहले पहुँचा कैसे, दिल्ली से बहुत ही वेल कनेक्टेड है, बाय रोड आप बड़े आराम से जा सकते हैं, या अपनी कार से या कोई टैक्सी हायर करके भी जाएंगे तो 6 घंटे में बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। उसके अलावा बसेस, रेगुलर बसेस दिल्ली से रामनगर या हल्द्वानी के लिए हैं। रामनगर जो है रामनगर के अंदर ही आता है, रामनगर के लिए दिल्ली से रेगुलर बस है, आपको वोल्वो बस भी मिल जाएंगे। तो ये सारी बस का टिकट है। फ्लाइट पंतनगर एयरपोर्ट है, पंतनगर एयरपोर्ट आप जा सकते हैं, पंतनगर एयरपोर्ट आप जाएंगे, पंतनगर एयरपोर्ट से आपको फ्लाइट मिल जाएगी। पर पंतनगर एयरपोर्ट वहाँ से फिर करीबन 70-80 किलोमीटर दूर है, तो फिर आपको वो ऑप्शन बहुत वाइबल नहीं है। आप ट्रेन, दिल्ली से रेगुलर ट्रेन से जाइए। मान लीजिए आप ट्रेन से जाते हैं, थर्ड एसी से जाते हैं, तो आने जाने का खर्चा 2,000 रुपये आपका ये खर्चा हो गया। और उसके बाद खाने की कॉस्ट, कहीं भी जाते हैं तो खाने की कॉस्ट होती है, तो और उसके बाद आप आते हैं रुकने की कॉस्ट। तो अब इसमें दो चीज़ें होती है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, आप 2 दिन के लिए जा रहे हैं, ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए, अंदर जो रिजॉर्ट वगैरह वो बहुत महंगे हैं, जो पार्क के अंदर हैं कुछ ही हैं और वो ज़्यादातर बुक रहते हैं तो वो काफ़ी महंगे। अगर आप बाहर रुकेंगे और वहाँ से फिर सफारी करने जाएंगे तो आपको 1,500 रुपये पर डे में बड़े आराम से होटल मिल जाएगा। उसके बाद लोकल ट्रांसपोर्ट, आप वहाँ से कोई टैक्सी लेंगे, आसपास घूमेंगे और ये सब चीज़ें हैं। तो ये
एडवेंचर एक्टिविटी कॉस्ट वगैरह। तो आइए आप सीधे जानते हैं कि वहाँ क्या क्या चीज़ें आपको करनी है और कैसे क्या क्या चीज़ें आपको कितना खर्च। अब 5,000 रुपया तो आपका कॉर्बेट दिल्ली से आना जाना ट्रेन से जाता है, रुकने का खर्चा है 2 दिन का। अब जो सबसे खास चीज़ होती है कॉर्बेट नेशनल पार्क में वो है जंगल जीप सफारी की कॉस्ट। अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो जो आप सबसे खास चीज़ करेंगे वो है जंगल सफारी, यानी कि जो सफारी है उसकी कॉस्ट यहाँ पे भी हमने डाली है। तो यहाँ पे भी मैं दिखा दूँ आपको, या तो जो लोकल इसकी इस पे भी कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर जो टैक्सी की कॉस्ट है ये भी हमने ऐड कर दी। तो जो सफारी होती है आप कॉर्बेट नेशनल पार्क में के गेट हैं अलग अलग, जैसे है डिकाला गेट है और ब्रिजरानी गेट है, डिकाला ब्रिजरानी और वगैरह वगैरह गेट्स हैं काफ़ी सारे, और हर गेट की बुकिंग चलती है और बुकिंग काफ़ी एडवांस में हो जाती है, 2-3 महीने पहले बुकिंग होती है। अब दो प्रकार की यहाँ पे सफारी होती है, एक तो होती है कैंटर सफारी, यानी एक कैंटर होता है जिसमें ओपन बस टाइप की होती है, वो ऊपर ओपन नहीं होता है, साइड में खुली होती है, उसमें 15 लोग बैठते हैं। तो उसकी कीमत होती है 1,500 रुपया, 1,000 रुपये से 1,500 रुपया पर पर्सन के आसपास इसकी कीमत होती है। दूसरी होती है जीप सफारी, यानी आप एक जीप पूरी की पूरी जीप हायर कर लेते हैं, उस जीप में 6 लोग तक बैठ सकते हैं, तो उस जीप की कॉस्ट होती है 3,000 रुपये। इसीलिए ये कॉस्ट हमने यहाँ पे ऐड कर ली, कॉर्बेट नेशनल पार्क टैक्सी की कॉस्ट 3,000 रुपये कॉस्ट होती है। अगर आप कैंटर लेते हैं तो उसकी होती है 1,000 रुपये के आसपास की ये कॉस्ट रहती है आपकी। तो आप जो वहाँ पे जाएंगे तो या तो आपकी सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको जाना होगा, सुबह 6 बजे से हो जाती है, या शाम के समय लगभग 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक, 5-5:30 बजे तक सफारी होती है। तो या तो आप जीप कर लें या कैंटर सफारी कर लें, और ये बहुत एडवांस में करना है, 2-3 महीने पहले करना है, तो तब बड़े आराम से आपको मिलेगी। नहीं तो आपको जो अच्छे गेट हैं जैसे ढिकाला ब्रजरानी ये गेट हैं, इनमें टाइगर की साइट सीइंग होती, यहाँ की आपको मिलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इस ढंग से ये आपका खर्चा, 2 लोग का खर्चा 9,600 रुपये तक अभी तक आया है, अगर आप ये सफारी वगैरह ये सब करते हैं आप। तो आपको सुबह उठना है, या तो आप कैंटर सफारी लें या आप जीप सफारी लें। तो ये आपको अंदर ले जाएगा, पार्क के अंदर ले जाएगा, करीबन 3-4 3 घंटे तक आप अंदर रहेंगे, और आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप साइट सीइंग टाइगर साइट सीइंग कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें आपको डिकाला गेट या ब्रिजरानी गेट ये गेट मिल जाए कि जहाँ से आपको टाइम, और सुबह की कोशिश करें आपको सुबह की मिल जाए। तो ये चीज़ है, तो ये तो सबसे खास अट्रैक्शन है, इसी के लिए जाते हैं। आपने कॉर्बेट पार्क में देख लिया है, पहले दिन आपने सफारी वगैरह कर ली, दूसरे दिन आसपास की साइट सीइंग आप कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो सबसे एक और चीज़ है कॉर्बेट फॉल है, ये पास में ही है, करीबन वहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर रामनगर में है। अगर आप यहाँ मतलब अक्टूबर नवंबर तक जा रहे हैं तब भी, और अगर बारिश हो गई तो मई जून में भी आपको यहाँ पे अगर बारिश हो रही है तो कॉर्बेट फॉल मिलेगा, यहाँ पे आप नहा सकते हैं। इसके लिए जंगल में अंदर जाना पड़ता है, टिकट है इसका 100-200 रुपये टिकट है, तो ये आप कर सकते। उसके बाद कोसी नदी में आप चाहें तो रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं, इसकी 1,000 रुपये प्राइस होती है, ये आप कर सकते हैं। और एलिफेंट राइड भी कर सकते हैं आप, एलिफेंट राइड यानी दो एक लोग की 500 रुपया, तो 2 लोग की 1,000 रुपया होती है। और इसके अलावा म्यूजियम है, डिकाला में म्यूजियम है, ये आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से और ब्रिजरानी में वगैरह आप वहाँ पर कैंप है, कई सारे जंगल कैंप हैं अंदर, वो सब आप देख सकते हैं। एडवेंचर एक्टिविटी जो वहाँ पर होती है वो आप देख सकते हैं। गिरजा देवी का मंदिर है वो देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक टापू पर मंदिर है नदी के बीच में, कई बार बाढ़ आ जाती है और आसपास की सारी चीज़ें बह जाती है, पर ये मंदिर जस्ट का टच रहता है, इसलिए इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है। आप जा सकते हैं कोसी नदी पे, कोसी नदी जो कॉर्बेट के बीचों बीच बहती है, तो यहाँ पे कैंप इसके आसपास कई सारे जंगल कैंप रहते हैं, आप चाहें तो इस कैंप में भी और नदी में नहाना वगैरह कर सकते हैं। और पर ध्यान रहे कि ये बरसात से पहले जाए, इसलिए बरसात आने के बाद तो ये बंद ही हो जाता है, अगर ज़्यादा बारिश पहले भी बारिश होगी तो नदी का बहाव तेज़ हो जाता है तो रोक दी जाती है यहाँ पे, तो आप नहीं उतर सकते। और उसके अलावा कई जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग है और
बंगी जंपिंग है वगैरह, ये सब वहाँ पर कैंप है, ये आप एक्टिविटीज़ उसके अंदर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका लगभग इतना ये रहता है, अगर आप दो लोग जा रहे हैं और ये सारी एक्टिविटीज करते हैं तो 12,820 रुपये आपके लगभग इतने लगते हैं। तो आप चाहे तो इसमें से जो चीज़ें नहीं जाना हो नहीं कर सकते हैं तो वो कम। तो ये जो कैलकुलेटर है ये आपको एग्जैक्टली बताता है कि कितनी आपकी कॉस्ट है, कितना आपको पैसे लगेंगे वहाँ जाने में, और उस हिसाब से आप अपना कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप मान लीजिए आपको और अच्छे होटल में रुकना है, यानी उसके अंदर रुकना है, तो ये आपकी कॉस्ट तुरंत बढ़ जाएगी। आप उससे भी अंदर लग्जरी जो 4 स्टार 5 स्टार में रुकना है तो इस आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से ये सारा चलता है। ट्रेवल मोड में मान लीजिए आप अपनी खुद की कार से आ रहे हैं या स्लीपर में आते हैं तो आपका ये कॉस्ट और कम हो जाएगा। बस से आते हैं तो और कम आपकी कॉस्ट हो जाएगी। ये देखिए इस हिसाब से ये सब चीज़ें चलती हैं। तो आप इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल अपनी प्लानिंग के लिए कर सकते हैं। तो आप क्योंकि अभी तो बंद रहेगा अक्टूबर तक, लेकिन अक्टूबर के बाद अगर आप प्लानिंग करना चाह रहे हो तो इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करिए और जो उसकी बुकिंग प्लानिंग पहले से कर लीजिए, ताकि आपको जो सीट है वहाँ पे कॉर्बेट पार्क में वहाँ जाने की घूमने की जो सीट है वो मिल जाए। और ये खर्चे मैं बता दूँ जो यहाँ पे दिखा रखे हैं ये तब एप्लीकेबल है जब आप खुद से जाते हैं। अगर आप किसी एजेंसी को बोलेंगे हमारे होटल बुक कर दो, हमारे गाड़ी बुक कर दो, तो ये महंगे हो जाएंगे, काफ़ी बढ़ जाएंगे, यानी 50% सीधे बढ़ जाएंगे। अगर 10,000 इस पर कॉस्ट आ रहा है तो आपका 15-16-17 हज़ार के आसपास बड़े आराम से आएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कमेंट हो, तो हमें बताइए, हम उनकी कमेंट क्वेरीज और दूर करेंगे। तो शेयर करें, लाइक करें वीडियो को।